IPO हुई थी ना 2019 में, उस दिन भी बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली ठंड थी, सबकी बैंड बज गई थी। क्या निकला? क्या? ओह वाह, हंसने की बात नहीं है, हंसो मत प्लीज। हैप्पी बर्थडे। नहीं, आपको थैंक यू बोलना है। जब आपको कोई भी आज हैप्पी बर्थडे विश करेगा ना, तो आप सबको क्या बोलोगे? थैंक यू। ओके, पिंचेस बुरी हो गई, पहले पिंचेस बुरी हो गई थी, अच्छी हो गई कि नहीं अच्छी हो गई थी। आप पियोगे भी, मांगे पिंचेस तो ऐप खा सकती है। हाँ, हैप्पी बर्थडे। आपको क्या कहना? थैंक यू। क्या कहना? मेरे बिट्टू को पता नहीं है ना पापा, बता रहे हैं ना, है ना? देखो, मैं थैंक यू कहूंगा। ओके, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यस, हैप्पी बर्थडे बिट्टू। थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द आनंद व्लॉग, यानी कि पी होकर बर्थडे व्लॉग, यानी कि आज है 25 जनवरी और हमारे इस गुंडे का बर्थडे है। और अभी सुबह के 10 बजे हम लोग नहा वहाँ के बाहर आए मंदिर जाने के लिए, मतलब सोसाइटी का मंदिर है, तो अभी अमित गए हैं अंदर, यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं और फिर हम मंदिर जाएंगे। और आज बहुत 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 भयंकर वाली ठंड है, मतलब हम लोग पूरा पैक हो गया है। अमित पहले बाहर जाके चेक करके आए, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो स्वेटर के बाद हमने ऊपर जैकेट्स भी डाले हैं। और हम चलते हैं मंदिर, बहुत तेज़ हवा है। जब पीयू हुई थी ना 2019 में, उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली ठंड थी, सबकी बैंड बज गई थी आने जाने में और चक्कर लगाने के हॉस्पिटल की। चलो अब मंदिर जा रहे हैं हम लोग। बस ही हम लोग बाहर निकल गए हैं सोसाइटी से और यहीं पे हमारे यहाँ का मंदिर है। ये जा रहे हैं पीहू और उसके पापा। अच्छा पीहू क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? ठंड लग रही है पापा, पीहू को ठंड लग रही है, फटाफट उठा लो उठा लो उठा लो। और हम लोग ना पूरा पार्किंग से होके मंदिर से होके पार्किंग से जा रहे हैं, मतलब बाहर से हम लोग जा नहीं सकते, इतनी ज्यादा ठंड है। कम से कम गलती से हो गया ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया ना। पियू क्या हुआ, पापा से नाराज क्यों? तो मम्मा ने थोड़ी किया कुछ। मैंने कुछ थोड़ी किया, वो तो पापा ने तोड़े आपके जूते, मम्मा ने थोड़ी तोड़े हैं। पापा, पियू के बर्थडे के दिन आप पियू के शूज तोड़ते हो, बैड वेरी। ठीक है, दूसरा नहीं लाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा लाने ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पहन लोगे? हैप्पी बर्थडे पियू का, वन मोर गिफ्ट, मॉर्निंग गिफ्ट, टन 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 टन। यस, इसको हम करेंगे ओपन ओपन, देखेंगे क्या है। यस, लाइट ऑन करना पापा। क्या निकला? क्या ये क्या निकला इसके? ओके, लकड़ी। ओ नो, पियू के टेंट हाउस निकल गया। और पियू क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? आपको आ रहा है बनाना? मुझे तो ये खास पसंद नहीं आया, वापस भेज दे क्या? आपको अच्छा लगा है क्या? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इनको यहाँ डालो। सो ये है पियू का टेंट हाउस, जो साथ में
इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से ये इनके पाइप्स डालते जाओ और काफी लाइट वेट है तो बच्चों के लिए सेफ है। एंड हमने पेपा पिग वाला मंगवाया क्योंकि पीयू पीयू का फेवरेट कैरेक्टर है पेपा पिग। हाँ ये पीयू का पेपा हाउस। हाय पीयू, हाय कैसे हो? ठंड कहाँ से लग रही है? नो अच्छा ओके 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 अंदर नहीं आएंगे। अरे नो 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 अरे यार शिट। अब मम्मा के लिए स्पेस है क्या? मम्मा मम्मा कहाँ जाएंगे? तो मम्मा यहाँ पे आ जाओ। चलो ठीक है। सो गाइज अभी हम लोग मंदिर से आ गए हैं। पीहू का एक गिफ्ट आ गया था टेंट हाउस, वो असेंबल किया है और अभी पीहू और उसके पापा वहाँ पे खेल रहे हैं। मैं थोड़ा किचन संभाल लेती हूँ, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन, जिसका मैं सामान वामान तो मैं सब कुछ लेके आ गई थी, लाइक सब कुछ जोधपुर से ही आधे टाइम। और अभी बस स्टार्ट करेंगे, पीयू को सुला के करेंगे ताकि अदरवाइज ये हमें कुछ भी नहीं करने देगी कुछ भी। पीयू का स्वेटर है जो मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया था शॉप स्टॉप से, बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है। एंड मैंने एज मंगवाई थी 3 to 4 years और इसके साथ मैंने जीन्स भी मंगवाई थी जो कि छोटी आ गई, मतलब 2 to 3 years उन्होंने भेज दी, तो जो मैंने एक्सचेंज में डाली है। और एक मैंने जैकेट भी मंगवाया था लेवेंडर कलर का, ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया था बेबी ओए ब्रांड का और बहुत ही अच्छा जैकेट है, लाइक बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल जैकेट है। तो अभी जो बर्थडे ड्रेस है वो आने वाली है, ऑन द वे हम ट्रैक कर रहे हैं तो आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ अरे हाय क्यूट यू। नहीं भाई चश्मा नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं पसंद है। ओ अभी पीयू के लिए क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? कौन सा वाला? ये किसने सेंड किया है? किसने भेजा है? पापा ने। नहीं ये नानू नानी ने भेजा है। हाँ ओपन, तो अब क्या करना पड़ेगा? खुल गया। पीयू की हेल्प चाहिए? पापा हेल्प कर दो पीयू को। ओ वाह ये मिला था ना? ये मिला है? ये क्या है? ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे दीवार मत पकड़ो, दोनों हैंडल पकड़ो, वापस घूम के आओ, वापस घुमाओ और दोनों हैंडल पकड़ना, दीवार क्यों पकड़ रहे हो? आप सीख जाओगे थोड़े दिन में। अरे अरे इधर हाँ ऐसे, नाइस गुड। चलो 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 पीयू आ गया है पापा। यस थोड़ा सा और आगे जाओ। क्या लाना है बताओ? पूरे टाइम लाना ही होता है आपके लिए तो। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। कुछ आप ही बता दो, आपका बर्थडे है तो क्या लाना है? टेल टेल गोपी टेल, बोलो ना। ये जो दीवार दिख रही है हमारी दीवार, पीहू ने खाई है दांतों से चबा चबा के। कैसे खाई है पीहू ने? चबा चबा के, रोटी नहीं खाती वैसे दीवारें खाती है, है ना? है ना क्यूटी? तो फिर सो मैं ये सोचूँ कि ये वाला ब्लॉग मैं सेपरेट डालूंगी डेकोरेशन का, और क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि एज क्योंकि मैंने जब पीयू का सेकंड बर्थडे था तब भी मैंने डेकोरेशन का एक अलग से वीडियो डाला है, मेरा सेकंड वीडियो वही है, तो उसमें मुझे इतना कुछ आता नहीं था वॉइस ओवर एंड ऑल, मैंने जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको थोड़ा टाइम लैप्स में लगा के उसको अपलोड कर दिया। वो डेकोरेशन का भी मैं इसके साथ आई बटन में डाल दूंगी, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको भी चेक करना। मैं बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी सेकंड बर्थडे में, वो हमने खुद से की थी। हाँ एंड उसका जो फर्स्ट बर्थडे था वो हमने बाहर से डेकोरेशन करवाई थी और अभी आज हम खुद कर रहे हैं। उस टाइम तो क्या सेकंड बर्थडे में तो काफ़ी हेल्प हो गई थी इसकी मासी की, इस बार तो सिर्फ मैं है इसके पापा है और बस ये तूफान है, तो एक जना तो इसको संभाल नहीं लेनी चाहिए पूरा का पूरा।
यस गाइस, देखो ये क्या निकला है। ये है इलेक्ट्रिक बलून पंप। ये हमने लास्ट ईयर खरीदी थी जब पीयू का सेकंड बर्थडे था और हमने पूरी बलून वाली वॉल बनाई थी, तो उसके लिए हमने ये खरीदा था और इस साल फिर से काम आएगा। डर लग रहा है बिट्टू, अभी तो सिंगल सिंगल बनाना है उसके अंदर डालने के लिए, तो बांध दो। पीयू मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है। हंसने की बात नहीं है, हंसो मत प्लीज। कोई हंसेगा नहीं, कोई नहीं हंसेगा बेटू, कोई नहीं हंसेगा। हंसोगे नहीं, कोई नहीं हंसेगा मेरे बेटे पे। पापा हंसोगे नहीं आप? नहीं बेटू, नहीं हंसेंगे पापा। पापा हम आपसे बात नहीं करेंगे फिर। बोल, हम दूर रहेंगे ना भैया। हम तो दूर ही रहेंगे, है ना? अरे बलून, कितने प्यारे प्यारे कलर्स है ना, सारे के सारे पेस्टल कलर्स। कैसे लगा पियो आपको? हैं? बहुत अच्छा। पियो इज हैप्पी। तो गाइस, हमने एक पैकेट बलून तो फुला दिए हैं, दूसरा वाला पियो ने खाली कर दिया है और अब हम इसकी बनाने जा रहे हैं आर्च। और आर्च के लिए हाँ, अपने पापा को फुलाएंगे। हाँ, फिर इससे आर्च बनेगी, हम ट्राई करते हैं, अगर बनेगी तो हम आगे वाले बलून फुलाएंगे, अदरवाइज इनको हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे इधर उधर डेकोरेट कर देंगे। तो गाइस, इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बर्थडे की पूरी डेकोरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई, मतलब हमने जैसा सोचा था उससे 10 गुना सुंदर लग रही थी। और आपके साथ भी शेयर करेंगे और पीयू का पूरा बर्थडे शेयर करेंगे, जिसमें हमने ऑर्डर किया था इसके लिए यूनिकॉर्न वाला केक, बहुत ही प्यारा केक था। उसकी जो ड्रेस जो इसकी मासी ने भेजी थी जोधपुर से, वो भी आ चुकी है, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको करना है एक काम, वो है ये कि आपको इस वीडियो को करना है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बस अपना प्यार देते रहिए और आगे के व्लॉग्स में बनी रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। एंड ये हमारे पीयू की आप मस्ती देख ही रहे हैं कब से, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।